हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवरे देतीमन। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा रायगढ़ की तरफ से वैकेंसी आई है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और रेजिडेंशियल बॉयज हॉस्टल से। यानी यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल पाएंगे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में केवल फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म डाल पाएंगी, रेजिडेंशियल बॉयज हॉस्टल में मेल और फीमेल दोनों की ही वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम से आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हो, साथ में बीएड मांगा गया है। सीटेट की यहां पर आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, मेन वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है सारी चीजें उसमें हम देखने वाले हैं कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा रायगढ़ से ही वैकेंसी आई है। 8 सितंबर 2023 ये पब्लिश हुई है नोटिफिकेशन। एडवर्टीजमेंट फॉर वीकेंट पोस्ट इन टाइप थर्ड केजीवीपी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एंड रेजिडेंशियल हॉस्टल आवासीय हॉस्टल रायगढ़ म्यूनिसिपैलिटी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी आई है। यहाँ लिखा है द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी रीज्ड इन डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर समग्र शिक्षा ओल्ड रिवेन्यू कॉलोनी बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल रायगढ़। ये पिन कोड है, ये एड्रेस रहेगा। पहुंच जाना चाहिए 5 अक्टूबर 2023 तक आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट ही जो है केवल आप लोग करेंगे। तो अभी जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। वैकेंसी यहां पर वार्डन फीमेल की एक है, पार्ट टाइम साइंस मैथ फीमेल 8 वैकेंसी है, संस्कृत और हिंदी की फीमेल की 7 वैकेंसी है, पार्ट टाइम इंग्लिश फीमेल की है 8 वैकेंसी। अकाउंटेंट की भी जो है फीमेल कैंडिडेट ही एप्लीकेशन फॉर्म कर पाएंगी। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, 11 वैकेंसी है अकाउंटेंट की। क्वालिफिकेशन वार्डन के लिए कहा है इन्होंने बीए या बीएससी, साथ में बीएड होना चाहिए। साइंस मैथ के लिए बीएससी बीएड मांगा गया है, संस्कृत या हिंदी के लिए बीए संस्कृत के साथ में, और साथ में साहित्य आचार्य भी मांगा गया है हिंदी या संस्कृत के लिए। पार्ट टाइम इंग्लिश फीमेल के लिए बीए बीएड होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर बीकॉम के साथ में कंप्यूटर नॉलेज रहने वाली है। यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए रिटन टेस्ट जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। साथ में जो है इंटरव्यू भी रहेगा। बार्डन के लिए जो है संख्या अगर ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पर इंटरव्यू करवाया जा सकता है। बाकी यहाँ साइंस मैथ और संस्कृत हिंदी के लिए ना कोई एग्जाम है ना कोई इंटरव्यू है। एज क्या रहने वाली है, तो एज जो है वो अलग अलग है। जैसे कि वार्डन के लिए जो उम्र है वो 30 से 50 साल है, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए 18 से लेकर 35 साल उम्र कही गई है। सैलरी भी अलग अलग है, वार्डन के लिए 21,175 सैलरी है। उसके बाद पार्ट टाइम सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो यहाँ पर 7,500 रुपये जो है यहाँ पर मंथली इनकम मिलने वाली है। नेक्स्ट लास्ट डेट है 5 अक्टूबर, जो कि दोनों की ही रहेगी। डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड, यहां लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आप लोग फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट की लगाएंगे, और उम्र के लिए 10th की मार्कशीट जो है रहेगी। एक्सपीरियंस अगर है आप लोगों को यहाँ पढ़ाने का पहले तो वो भी आप लगाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट भी जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। द पासपोर्ट फोटोग्राफ इज टू बी अफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड मस्ट बी पुट हर सिग्नेचर ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द फोटो। फोटो के फ्रंट साइड में आप लोग सिग्नेचर भी करेंगे। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या लिखी है, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक जो है होना जरूरी है, ये भी लिखा है। साथ में इन्होंने एक और चीज लिख दी है कि परमानेंट रेजिडेंस ऑफ ओडिशा, ओडिशा के आप जो है स्थानीय निवासी होना चाहिए। ठीक है, अब स्थानीय निवासी उड़ीसा के भी होना चाहिए और भारत के नागरिक भी है, दोनों ही कंडीशन यहाँ पर लिख दी गई है। मस्ट हैव पास्ड इन उड़िया लैंग्वेज अप टू 10th स्टैंडर्ड एज अ पैरामीटर, तो आप लोगों ने 10th क्लास में जो है उड़िया लैंग्वेज भी पढ़ी हो। अभी यहाँ पर इनको जो है अगर ओडिशा के ही कैंडिडेट लेने थे तो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती। रेजिडेंशियल बॉयज हॉस्टल के लिए यहाँ वैकेंसी आप देख सकते हैं, एक है वार्डन मेल की, पार्ट टाइम टीचर साइंस मैथ की, मेल और फीमेल दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। हिंदी संस्कृत के लिए मेल और फीमेल दोनों ही, ऐसे ही इंग्लिश के लिए मेल और फीमेल दोनों ही, अकाउंटेंट के लिए भी मेल और फीमेल दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, ये सारी चीजें हमने जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की देखी है वही रहने वाली है। सैलरी की अगर हम बात करें तो वार्डन की सैलरी 21,175 है, बाकी साइंस मैथ हिंदी संस्कृत के लिए
ट्रेन टीचर होंगे तो 7500 यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 6500 रुपये रहेगी अनट्रेंड टीचर्स की। अकाउंटेंट की अलग है 13750। यहाँ पर जो है काम क्या करना होगा, तो सभी का जो है काम भी बता दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि जॉब चार्ट ऑफ वार्डन, इसे आप पढ़ लेंगे। अकाउंटेंट का क्या काम रहेगा, जो है जॉब चार्ट ऑफ पार्ट टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर का जो है क्या काम रहेगा, 7 से 9 इन द मॉर्निंग एंड 6 to 8 इन द इवनिंग। तो वैकेंसी जो है समग्र शिक्षा के तहत है, और आप सभी जानते हैं कि पहले यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही जो है लिया जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन देखने के लिए सबसे पहले इसकी मेन वेबसाइट पर आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ जाएगा। नीचे भी आप लोगों को व्हाट्स न्यू में दिखाई दे जाएगा जितनी भी वैकेंसी आई हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर भी नोटिस में भी देख सकते हैं रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आप लोग रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर लेंगे और ये देखिए सभी जो है आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है। अभी जो है यहाँ पर गेस्ट टीचर की डिफरेंट स्कूल ऑफ SSD स्कूल, ये भी वैकेंसी आई हुई है। लास्ट डेट 23 सितंबर है। उसके बाद अभी हमने जो यहाँ देखी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और रेजिडेंशियल स्कूल, तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर मिल जाएगा। लास्ट डेट जो है वो 5 अक्टूबर है। नेक्स्ट और भी वैकेंसी है, जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले जो है यानी 16 सितंबर को निकल चुकी है वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट फैकल्टी इन मॉडल डिग्री कॉलेज रायगढ़। ऐसे ही वैकेंसी जैसे ही और भी स्टेट से आती है, आपके स्टेट से आती है, तो बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।